हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस जनरल टॉक नंबर 6। सो हमेशा की तरह हम इस जनरल टॉक में भी बच्चों के जो भी एमएसटीसीटी प्रिपरेशन से रिलेटेड डाउट रहेंगे वो क्लियर करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जो मेन बच्चों का क्वेश्चन रहता है, सर पोस्टपोन का न्यूज कब आएगा, एडमिट कार्ड आएगा कि नहीं आएगा। सो अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आई है, 3 4 दिन तक वेट करो। सब लोग यही बोलेंगे, वेट करो, आएगा न्यूज। ओके क्योंकि लास्ट वीक में तो गवर्नमेंट नहीं डालेगी ये न्यूज, सो जस्ट वेट। ठीक है, हमेशा ऑफिशियल साइट चेक करते रहो जो भी mahacity.org है। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, जैसे कि आप लोग को पता ही है कि ये जो कैरियर साइंस चैनल है, हमने आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ जो आपके सब्जेक्ट है। सो मैं आपको जस्ट 1 मिनट से भी कम टाइम लूंगा, आपको जस्ट बताना चाहूंगा चैनल का कैसे यूज करें करियर साइंस का। हम लोगों ने ये MHTCT का जो है सेक्शन है चैनल पेज पे, इसके अंदर PCM भी चारों के आपको लास्ट ईयर मिनिमम मैक्सिमम 21 ईयर्स, मिनिमम 68 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज आपको डाल के रखे हैं। और साथ में क्वेश्चंस के सिर्फ PDF दिए हैं चारों सेक्शन में, बट फिजिक्स का जो है लास्ट 21 ईयर्स के क्वेश्चन थे तो उनको सॉल्व करके भी वीडियोस डाला गया है। तो आप इस फिजिक्स में आपको सॉल्विंग वीडियोस भी मिल जाएगा, मतलब चैप्टर वाइज डाला हुआ है। देन फिजिक्स पूरा खत्म हो गया है, 11th और 12th दोनों फिजिक्स का डाला हुआ है, फिजिक्स का पूरा खत्म हो गया है। सो हमने केमिस्ट्री स्टार्ट की है, केमिस्ट्री के भी सॉल्विंग वीडियोज आपको इस सब्जेक्ट वाइज रिविजन के अंदर मिल जाएगा यहाँ पे। सो केमिस्ट्री के भी 16 चैप्टर्स है 12th में, तो अब टोटल 10 चैप्टर्स का भी सॉल्विंग वीडियोस डाल दिया गया है और रिमेनिंग चैप्टर्स का वीडियोस ये संडे तक 12th के कंप्लीट हो जाएंगे। और मैथ्स के लिए भी रिवीजन के लिए जो भी आपके 11th के टॉपिक्स हैं उनके सॉल्विंग वीडियोस डाले गए हैं। सो आपको यहाँ पे MHTCT मैथमेटिक्स रिविजन के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, सो ये जस्ट आपको एक इंट्रो की चैनल का यूज कैसे करें आपके प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, एंड मॉक टेस्ट जैसे कि आपको बताया गया है, 45 PCM मॉक टेस्ट है, 20 PCB मॉक टेस्ट है। सारे मॉक टेस्ट PCM PCB के आपको इस सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, और यदि आपको केवल PCB का मॉक टेस्ट चाहिए तो आपको तो इसमें भी मिल जाएगा, बट PCB का मॉक टेस्ट मैंने अलग से अलग बना के रखा है। सो इसके अंदर आपको PCB का भी मॉक टेस्ट मिल जाएगा, जो टोटल 20 है। ठीक है, और जो रोज के जनरल टॉक्स वगैरह होते हैं, ये अपडेट गाइडेंस एंड मोटिवेशन सेक्शन के अंदर आपको जनरल टॉक मिल जाएंगे। जनरल टॉक इंपॉर्टेंट क्योंकि हम रोज कुछ ना कुछ मोटिवेटेड रिलेटेड बात करते हैं, कैसा प्रिपरेशन है होना चाहिए ये सब रिलेटेड। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन। जैसे कि मैं बता दिया आपको, अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आई है, सो जस्ट वेट एंड चेक ऑलवेज ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सेशन। सो बच्चों का पहला क्वेश्चन एक दिया है, सर व्हाट शुड बी द लास्ट 15 डेज स्ट्रेटेजी टू मैक्सिमाइज द स्कोर इन MHTCT इफ 80% प्रिपरेशन इज डन। ठीक है, तो मैं यही बोलूंगा, यदि आपका 15 डेज है प्रिपरेशन, 15 डेज बाकी है, तो जो लास्ट का जो 10 डेज रहेगा, मैं उसमें बोलूंगा कि आप जो ओल्ड मॉक टेस्ट जितने भी आपने किए हैं, ठीक है, मॉक टेस्ट तो एक दिन, एक मॉक टेस्ट दो डेली, ठीक है, मॉक टेस्ट एक डेली दो, हमने ऑलरेडी 45 PCM दिए, 20 PCB दिए, मॉक टेस्ट डेली दो। यदि मॉक टेस्ट खत्म हो गए हैं और अगर मॉक टेस्ट नहीं खत्म हुए, फिर भी जो भी प्रीवियस मॉक टेस्ट हुए हैं आपके क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट ओल्ड मॉक टेस्ट जो भी हुए हैं उनका एनालिसिस करो, कौन से क्वेश्चन का आंसर नहीं बना था उनको रिवाइज करो। ठीक है, जैसे कि मैंने कल भी एक अपने वीडियो सेशन में बताया था, यदि आपने 20 मॉक टेस्ट दिए और एक PCM PCB का क्वेश्चन कितना होता है, 150, 20 × 150 करोगे तो आपने 3000 क्वेश्चन आपके आंखों के नीचे से जा चुके हैं। ठीक है, सो समझो मैंने 45 मॉक टेस्ट दिए, आपने 45 मॉक टेस्ट ढंग से सॉल्व किए, तो आपके 6000 क्वेश्चन आपके आंखों के नीचे से जा चुके हैं केवल मॉक टेस्ट सॉल्व करने से। प्लस आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देख रहे हो हर चैप्टर वाइज का, वो भी आंख के नीचे से जा चुके हैं, मतलब क्वेश्चन का एनालिसिस जितना ज्यादा हो गया रहेगा उतना बेटर है। सो डेली एक मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट जो भी ओल्ड हो चुके हैं उनका रिवाइज करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो तुमको डिफिकल्ट लगे होंगे कि हाँ ये पहली बार मैंने कॉन्सेप्ट समझा, उसको स्टार मार्क करके रखा रहेगा, देन उसको रिवाइज कर लो टॉपिक वाइज। और मोर इम्पोर्टेंट पार्ट, सबसे पहले तो जो है ये तो एनालिसिस करना ही है, आपका जो रोज का हैबिट बनाओ, फॉर्मूला रिवीजन, PCM सब्जेक्ट है, PCB सब्जेक्ट है, आपका 3 आवर्स मिनिमम ये सब्जेक्ट का रिवीजन होना ही चाहिए। ठीक है, ये ध्यान में रखो, PCM PCB 3 आवर का रिवीजन, और ये मॉक टेस्ट डेली दोगे तो 3 आवर्स उसका, मॉक टेस्ट के लिए ओवरऑल 6 आवर, 3 आवर्स रिवीजन, 3 आवर्स आप टेस्ट दोगे और 3 आवर्स आप क्या करोगे उसका एनालिसिस करोगे।
ठीक है, फिर जो भी बचा आपका टाइमिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करो। देखो मैंने आपका 9 आवर्स फिक्स कर दिया, 3 आवर पीसीएम सब्जेक्ट रिवीजन, 3 आवर आपका मॉक टेस्ट देना, 3 आवर मॉक टेस्ट का एनालिसिस, 9 आवर्स फिक्स कर दिया। फिर जो बचा कुछ टाइम है थोड़ा रेस्ट लो, फिर ये मॉक टेस्ट जो भी ओल्ड हो गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो तुमने देख चुके हैं एक बार रिवाइज करो। देखो यहाँ पे कैसा रहता है कि सिटी में आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका दिमाग जितना ट्रेंड रहेगा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उतना अच्छा है। ठीक है, यदि आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया है, आप सीधा एग्जाम में बैठ जाओगे तो आप प्रॉब्लम तो सॉल्व कर पाओगे, बट आपका दिमाग ट्रेंड नहीं है कि आप कितना फास्ट सॉल्व करोगे। मॉक टेस्ट देने का एक ही एडवांटेज रहता है कि आपका दिमाग ट्रेंड हो जाता है एक प्रॉब्लम को फटाफट कैसे सॉल्व करें। ठीक है, सो ये मैंने आपको मॉक टेस्ट दे ली, दो ओल्ड मॉक टेस्ट को रिवाइज करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को रिवाइज करो। ठीक है, बट उसमें भी मेन क्या है, आपका सब्जेक्ट रिवीजन मिनिमम 3 आवर्स होना चाहिए। यदि आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक वीक है थोड़ा पढ़ो और पढ़ो। ठीक है, मिनिमम आपका जो लास्ट 15 डेज भी मैं बोलूंगा, लास्ट के जो 14 डेज है, एक दिन एग्जाम से पहले यदि आपको पता है कि आपको कल एग्जाम देने जाना है तो थोड़ा सा रेस्ट रखो, सिर्फ रिविजन करो। ठीक है, मॉक टेस्ट दो मत, ठीक है, सिर्फ रिवाइज करो। ठीक है, एक दिन पहले का बता रहा हूँ, बट अभी एक दिन अभी पहले है तो आया नहीं, अभी तो डेट भी कंफर्म नहीं है, पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है सर, फिजिक्स एंड कैम का स्कोर 20 to 24 के बीच में ही है और मैथ्स का स्कोर अराउंड 55 है। देखो ये केस कब होगा, जब आपका 12th का जो स्टडी है 12th का रिविजन आपने प्रॉपर नहीं किया। ठीक है, यदि आपका स्कोर इतना है तो आप क्या करो, जो भी मॉक टेस्ट देते हो वो मॉक टेस्ट को एक दिन टाइम लगा के पूरा रिवाइज करो। मॉक टेस्ट में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं जिसमें आपको कम मार्क्स मिला है वही मॉक टेस्ट आपका स्कोर बढ़ाएगा। ठीक है, स्कोर कम मिला है मतलब पर्टिकुलर टॉपिक आपको समझा नहीं है, हो सकता है एक चीज ये हो सकता है, या आप भूल चुके हो, या आपको फर्स्ट टाइम क्वेश्चन देखा है, तो वो रिलेटेड सब टॉपिक बुक में जाके पढ़ो और रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करो। ओके, देन आप सेकेंड मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो। ठीक है, 55 मार्क्स आ रहे हैं मतलब मैथ्स में 55 मार्क्स तो नहीं आएगा आपका, ऑब्वियस एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है ऐसा इवन नंबर ही आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके क्या आधे अटेम्प्ट 20 to 25 हो रहा है, मतलब आधे से भी कम अटेम्प्ट हो रहे हैं, मतलब सब आपका रिवीजन जो है, जैसे मैंने बोला हर एक सब्जेक्ट, देखो मैं कैसे करता था, एक मॉक टेस्ट देने से पहले पूरा सब्जेक्ट एक बार आँख के नीचे से हर चैप्टर को पेज पलटता था, सिर्फ देखता था पेज पलटता था, तो पेज पलटने से याद रहता है कि हाँ भाई इस पेज पे ये फॉर्मूला दिया हुआ है, वो मैंने कहीं भी तो देखा है, एक इमेज रेडी हो जाती है दिमाग के। ओके, कॉन्शियस माइंड में, तो ध्यान में रखो 20 से 25 आ रहा है, तो एक वो जो जिस मॉक टेस्ट में कम मार्क्स है वो मॉक टेस्ट में जो भी क्वेश्चन है रिलेटेड क्वेश्चन बुक में खोजो, कौन से टॉपिक से रिलेटेड सब टॉपिक पढ़ो, और रिलेटेड और भी जो प्रॉब्लम्स रहेंगे उनको थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, तो स्कोर बढ़ेगा। ठीक है, ये नहीं कि सर ने बोला है सर मॉक टेस्ट दो मॉक टेस्ट दो, बट एक मॉक टेस्ट देने के लिए इतना कम स्कोर आ रहा है, थोड़ा रुको, थोड़ा पढ़ाई करो, फिर मॉक टेस्ट दो, एक दिन का गैप रहेगा चलेगा। ठीक है, ऐसा है। स्टिल कैन आई गेट विजिट ए सी एस सी ब्रांच, ध्यान में रखो विजिट ए सी एस सी ब्रांच रहेगा, परसेंटेज तो नहीं बोलूंगा, आपको 180+ लाना पड़ेगा। और यही मैंने बोला कि आपका मॉक टेस्ट में स्कोर कम आ रहा है तो उसका एनालिसिस एक दिन पूरा करो, एनालिसिस एक दिन पूरा करो, जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो पूरे बुक में ढूंढो। ठीक है, समझा, देन आपका 180+ का प्लान हो सकता है। ठीक है, यदि आपको 180+ लाना है तो आपका मॉक टेस्ट का स्कोर जो है एटलीस्ट 150 तो आना ही चाहिए, जितने भी मॉक टेस्ट हो, एक बार दो बार नहीं, लगातार 2 3 बार 4 बार ऐसा 150+ आएगा, और मिनिमम 150 आएगा तब मैं आपको 180+ का गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट सर, ओनली बाय सॉल्विंग लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर विच यू हैव अपलोडेड विल आई गेट अबव 117 MSTCT। देखो लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर तो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तुम्हारा कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग बढ़ गया। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने से मैं आपको क्या गारंटी दूंगा, आपका 120+ स्कोर आ जाएगा। बाकी जो 200 में 80 स्कोर्स है वो आपको कौन देता है, मॉक टेस्ट। ओके, मॉक टेस्ट से क्या, मॉक टेस्ट आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है, चैप्टर वाइज फर्स्ट सेकंड मिनिमम 20 मॉक टेस्ट दो, मिनिमम 20 मॉक टेस्ट बोला मतलब एक मॉक टेस्ट 3 आवर्स और प्लस 3 आवर्स एनालिसिस, ये मिनिमम टाइम बोला है मैंने,
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का जो भी आपने कर चुके हैं, तो 6 आवर्स तो मैंने आपको बता दिया, ये आपने किया ना तो 170+ आ सकता है। और मॉक टेस्ट का एनालिसिस बहुत ढंग से करना, भले ही 3 आवर से ज़्यादा यदि आपको एक दिन पूरा लगता है एनालिसिस करने में, करो, मोस्टली 3 आवर से ज़्यादा ही लगेगा। जो एकदम श्योरली करेगा वो, जिसका थोड़ा पढ़ाई, जिसका पूरा पढ़ाई हो गया, टॉपर है, उसको 3 आवर में एनालिसिस भी कम है। बट एक चीज ध्यान में रखो, मॉक टेस्ट का स्कोर यदि आपको 160+ भी आता है, तो ये ध्यान में रखना कि आपका 180+ आएगा। ये चीज ध्यान में रखो, स्कोर पे के पीछे मत भागो, आपका कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग कितना है, ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा है। खुश मत होना कि अभी मेरा 160+ एक मॉक में आ रहा है तो आपका मेन एग्जाम में भी आएगा, एक बात ध्यान में रखना, ठीक है। ना खुश ज्यादा हो ना ज्यादा निराश हो, टेंशन मत लो ज्यादा, ठीक है। आप इसे इतना ध्यान में रखो, मेहनत की है तो कुछ अच्छा ही होगा। फिर एक क्वेश्चन पूछे सर, डायस्टॉप इंजीनियरिंग और फूड टेक्नोलॉजी अच्छा है कि आईसीटी में? आईसीटी मुंबई का कॉलेज, इंफॉर्मेशन सॉरी इंफॉर्मेशन नहीं, आपका इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी है, बीजीडीए के सामने ही है, और उसका कट ऑफ क्या है? तो ये डिस्कशन प्रिपरेशन से रिलेटेड नहीं है, इसको हम लोग अपने इंजीनियरिंग टॉक्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सर आपने फिजिक्स में 40+ लाने के लिए कैसे प्रिपरेशन की थी, प्लीज आंसर। देखो यदि आपको मेरा सुनना है, मैं केवल फिजिक्स की जो गवर्नमेंट बुक है उसको उठाता था। सर कोई भी एक चैप्टर ले लो, मैं हमेशा पहला चैप्टर ही पकड़ता हूँ, सर्कुलर मोशन। मैंने क्या किया, सर्कुलर मोशन में मैंने जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए थे और मॉक टेस्ट सॉल्व किए थे, उसमें जो मुझे कॉन्सेप्ट पॉइंट्स फॉर्मूले मिलते थे, मैं फिजिक्स के बुक पे उस चैप्टर पे एक पेज चिपकाता था और उसमें अपने मेन पॉइंट लिख देता था, ये फॉर्मूले मुझे नहीं आए थे। और जब मैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट देता था, मैं पूरा बुक रिवाइज करता था, बुक रिवाइज करता था, मतलब पढ़ता नहीं था, सिर्फ पेज पलटता था। हाँ ये सर्कुलर मोशन चैप्टर है, इसमें मैंने कभी तो ऐसा नोट्स लिखा था, सिर्फ आंख डाल देता था, क्योंकि मैंने लिखा है तो मुझे तो याद रहेगा ना, जो अपना चीज रहता है वो हमेशा अपने को याद रहता है, चीज ध्यान में रखो। मैंने लिखा है तो मैं सिर्फ उस पर आंख भी डालूंगा तो मुझे याद रहेगा, ठीक है, ठीक है। सेकंड मैं हर सिर्फ पेज पलटता था, ग्रेविटेशन का पेज पलटूंगा फटाफट, आपका थर्ड चैप्टर रोटेशनल मोशन पेज मैं कर रहा था, हर एक चैप्टर में एक पेज चिपका देता था, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले रहते थे, ठीक है, उनको पेज पे लिख देता था। मैं ज्यादा नोट्स नहीं बनाता था, सिर्फ एक ही, मैं एक भी एग्जाम का, जब मेरा एक मेन एग्जाम था उसके पहले भी टाइम रहता है, उसमें भी मैं गवर्नमेंट बुक से सिर्फ रिवाइज करता था, क्योंकि गवर्नमेंट बुक मेरा क्या होता क्या था, बहुत सारे फॉर्मूले वगैरह जो भी मैंने मॉक टेस्ट जितने दिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए, वो सारे फॉर्मूले जो मुझे नया कॉन्सेप्ट समझ के वो पॉइंट पे लिख के रखता था, ओके। जगह नहीं रहता था पर्टिकुलर चैप्टर में तो पेज चिपका देता था, ठीक है। सो ऐसा करो, और डेली रिवीजन होना चाहिए। फिजिक्स में इवन आप डायमेंशन निकालने बैठने का भी टाइम नहीं रहता, तो डायमेंशन वगैरह भी मैं कैसे, अभी आपका डायमेंशन ऑफ एल रहता है, एल क्या है आपका इंडक्टेंस है, M1 L2 T-2 I-2, ये आपके ऐसे मुंह पे होना चाहिए। और ये मुंह पे कब होगा, एक दिन में पूरा रिवाइज होके, एक दिन में पढ़ के नहीं होगा, रोज ही आंख के नीचे से जाएगा बुक तभी होगा। मेन पॉइंट यही, आपका रोज तीनों सब्जेक्ट आंख के नीचे से जाना चाहिए, सेकंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, ओके, एंड मोर इम्पोर्टेंट के मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपको 170+ लाने के लिए होता है, यदि आप केवल रिवीजन करोगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको 120+ आएगा, ध्यान में रखो। नेक्स्ट, इसमें एक बच्चे ने मुझे बोला सर मेक अ वन फुल टेस्ट वीडियो इन विच यू आर सॉल्विंग, मतलब मैं 150 मार्क्स का पेपर मैं खुद सॉल्व करो, मतलब मेरा लेक्चर का वीडियो हो गया 3 आवर का। द टेस्ट दैट यू आर प्रोवाइडेड मेक अ रफ एनालिसिस, ठीक है, उसका फिर रफ एनालिसिस करो, एंड शुड हैव बीन अ मिनिमम ऑप्टिमम बीजीडीएस यूपीसीएस ब्रांच स्कोर, ठीक है। अभी मैं इसमें एक चीज बताऊंगा, चलो मैं पेपर तो सॉल्व कर दिया, 3 घंटे का वीडियो बना लिया, ठीक है। अब ये जिस बच्चे ने क्वेश्चन लिखा रहेगा उस वो बच्चा तो वीडियो देखेगा, ओके ओके। सेकंड थिंग, आपको चाहिए बीजेडीएस यूपी का ब्रांच स्कोर, ठीक है। मैंने पढ़ाई, मैं तो चलो बना भी दिया वीडियो, कुछ इशू नहीं है। एक चीज ध्यान में रखो, आपका प्रिपरेशन कम हुआ है, आप स्कोर, आप अटेम्प्ट क्वेश्चन कम करोगे। जो बच्चे जेई मेन की प्रिपेयर करते रहते साल 2 साल से, नेट की प्रिपेयर करते रहते, उनके लिए सीटी का प्रेपर कैसे, कि उनका आधे से ज्यादा पढ़ाई उन्होंने किया है, वो ज्यादा स्कोर कर देंगे, ठीक है। वो कुछ ज्यादा स्कोर करेंगे तो वैसे भी बीजीडीएस यूपी का सीएस का जो स्कोर रहता है 180+ हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है, ओके। तो उनको तो मिल जाएगा ही कॉलेज, ठीक है। और जो बच्चे एवरेज स्टूडेंट रहते हैं, जिन्होंने पढ़ाई उतना सीरियसली नहीं की, सीरियसली का मतलब नहीं होता, बहुत सारे ये रहते हैं कि हमको मोस्टली पता ही नहीं रहता, बहुतों को रियलाइज देर से होता है कि
पढ़ना कब से, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि इंजीनियरिंग का एडमिशन देने के लिए एमएसटी सीटी एक एग्जाम भी होता है, ठीक है। बट मैंने जो प्रिपरेशन स्टार्ट की थी 12th में स्टार्ट की थी, इतना मैं बता सकता हूँ, ठीक है। बट ध्यान में रखो, कोई भी सॉल्व करो, जो स्कोर है विजेटी सीयूपी का सीएस का, कोई ना कोई बच्चा तो 180 प्लस के ऊपर स्कोर कर ही देता है। मोस्टली वही बच्चे रहते हैं जो जेई मेन की भी प्रिपेयर करते रहते हैं और सीटी की रहते हैं, ठीक है। जेई मेन की प्रिपरेशन तो इतना प्रिपरेशन हो ही जाता है, ठीक है। सो मैंने मोस्ट ऑफ क्वेश्चन डिस्कस किए, एंड जस्ट लास्ट आपको एक चीज मैं बताऊंगा एज अ समरी। मॉक टेस्ट देते हो तो ध्यान में रखो, भले ही आपको मॉक टेस्ट के एनालिसिस में एक दिन लगे, ओके, मोस्टली एक दिन ही लगना चाहिए, एक दिन से ज्यादा मत लगाना, ठीक है, क्योंकि मॉक टेस्ट में ज्यादा गैप मत रखना। आप हर दिन मॉक टेस्ट दो, ओके, या एक दिन का गैप देने के बाद दो, वो बेटर है। स्टार्टिंग में एक दिन का गैप दो, मैं रिकमेंड करूंगा। स्टार्टिंग की समझो आप 20 मॉक टेस्ट दे रहे हो, स्टार्टिंग के 5 to 10 मॉक टेस्ट आप 1 दिन का गैप दो। आपके पास वैसे भी 4 जुलाई का एग्जाम है तो डेज कम है, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूंगा, देखो मॉक टेस्ट देना इश्यू नहीं है, मोस्टली एनालिसिस करना इम्पोर्टेंट है। ये जो एनालिसिस रहता है ना, यही आपका ज्यादा रिवाइज करा के देता है बुक का, ठीक है। क्योंकि कितना भी बुक पढ़ लो, उतना कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं पड़ता जितना ही एनालिसिस के बाद। एनालिसिस में क्या बोल रहे हो, समझो जो पर्टिकुलर मॉक टेस्ट दिया उसमें आपको क्वेश्चन नहीं आए, ठीक है, उनको आप जब ढूंढते हो कि अरे भाई ये क्वेश्चन किधर से आया, फर्स्ट टाइम क्वेश्चन देखा, ठीक है, बुक में ढूंढते हो, तो ढूंढने का क्या रहता है एडवांटेज, आपको याद रहता है कि हाँ भाई, उस ढूंढने के चक्कर में आप एक दो प्रॉब्लम एक्स्ट्रा भी देख लेते हो, वो टॉपिक के एक्स्ट्रा फॉर्मूले भी देख लेते हो, तो इससे क्या हो जाता है, रिविजन बढ़ता है आपका, ठीक है। एनालिसिस में एक दिन से ज्यादा एक दिन टाइम ले लो, ठीक है, बट नेक्स्ट एक दिन के गैप के बाद दूसरा मॉक टेस्ट दो, दूसरा दूसरा मॉक टेस्ट देने के बाद थर्ड मॉक टेस्ट दे, तो पहले दो मॉक टेस्ट जो भी दे रिवाइज कर लो, ठीक है, ऐसा ही ध्यान में रखो, ठीक है। अभी आपको कोई भी और क्वेश्चन रहेगा तो हमेशा की तरह गूगल फॉर्म लिंक दिया, आप उसमें लिख देना आपके क्वेश्चन, मैं आपको नेक्स्ट जनरल टॉक में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। सो टेंशन मत लो, कोर्स रिलेटेड, कॉलेज के रिलेटेड, आपको विजेटीआई सीओपी चाहिए, सीएस ब्रांच ही चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि विजेटीआई सीएसई की ब्रांच के अलावा भी बहुत सारे कॉलेज हैं, वहाँ पे भी अच्छा प्लेसमेंट होता है। यदि देखो आपने, चलो विजेटीआई सीएस विजेटीआई में ले लिया, सीयूपी में एडमिशन ले लिया, ठीक है, बट आपने चलो 4 साल जो है पढ़ाई उतना नहीं की, वहाँ पे भी अच्छे कॉलेज में जाने के बाद कॉम्पिटिशन और बढ़ जाता है, ठीक है, ओके। मैं विजेटीआई कॉलेज में था, मैं जब फर्स्ट डे मेरा कॉलेज में था, मैं अपना स्कोर किसी बच्चे को बता नहीं सकता था, क्योंकि वहाँ किसको भी पूछो वो अपना स्कोर क्या बोलेगा, मैथ्स में 100 में 100, केमिस्ट्री में 100 100, फिजिक्स में 100 में 100, 12th के फिजिक्स में 100 में 100, भाई कभी तो 1 2 मार्क्स तो कम पा, ऐसा रहता है। तो कंपटीशन ज़्यादा रहता है ज़्यादा कॉलेजेस में, ठीक है। सो डिपेंड रहता है आपका प्रिपरेशन, आपका इवन कोई भी कॉलेज लो, प्रिपरेशन जैसे रहेगा वैसे ही आपको कंपनी कोई ना कोई तो मिलेगी, ठीक है। कॉलेज का केवल एक टैग लग जाता है कि हाँ भाई ये अच्छा कॉलेज से है, बस रिज्यूमे में अच्छा लगता है, ठीक है, अदरवाइज सब तो आप पे डिपेंड है, ठीक है। सो ज़्यादा टेंशन मत लो, अच्छे से पढ़ाई करो, अपना सिर्फ इतना ध्यान में रखो, आप मेहनत करो, आपके लिए अच्छा ही होगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो सेशन।